बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको दारुस्सलाम के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो आप साथ सामने बिल्डिंग देख रहे हैं वो दारुस्सलाम है। यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, सारे MP MLAs बैठते हैं और लोगों का काम करते हैं यहाँ से। यहाँ किसी का मजहब देख कर काम नहीं किया जाता, लोग आते हैं उनका काम किया जाता है। और ये बिल्डिंग इसी के अंदर MP सारे MLAs बैठते हैं। उसके अंदर भी कई रूम है जहाँ पे छोटे मोटे जलसे, मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वो है एतमाद डेली न्यूज़पेपर की बिल्डिंग, जो बुरहानुद्दीन ओवैसी साहब की है। और उसके फिर लेफ्ट में जाएंगे तो ये है ओवैसी इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे इंजीनियर्स बन के निकलते हर साल। और यहाँ से देखिए ओवैसी मेडिकल सेंटर है। और ये बड़ी बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप, वो है ओवैसी मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे हर साल हज़ारों डॉक्टर यहाँ से कामयाब होकर निकलते हैं हर साल। और हर मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं, दाखिला कराते हैं, पढ़ते हैं और जाते हैं यहाँ से कामयाब होकर। इसी बिल्डिंग के पीछे दारुसलाम बैंक भी है, वहाँ से लोग इस बैंक से फ़ायदा उठाते हैं। इस मुबारक सरजमीन दारुसलाम को पाने के लिए फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने जेल में रहना पड़ा और उन्होंने ये केस जीता। यहीं पर सारे MP MLAs बैठते हैं। और ये दारुसलाम के अंदर के ऑफिस का है, जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या इंटरनल मीटिंग करते हैं। तो उम्मीद है कि दारुसलाम क्या है तो आपको पता ही चल गया होगा।